Hello everyone, this class is presented to you by Didymia IAS. So till now हमने ये देखा कि औरंगजेब के बाद कौन कौन से emperors आए और उनके क्या relationship थे मराठास के साथ, राजपूत के साथ, और उनकी क्या क्या policies थी. अब next जो king है वो है मोहम्मद शाह, who ruled from 1719 to 1748. So he was a weak minded and frivolous and over fond of a life of ease and luxury. So बाकियों की तरह ये भी काफी weak king थे जो कि बहुत ज्यादा जिनको luxury में रहना, he was more fond of all those things. He neglected the affairs of the state. Instead of giving full support to able wazirs such as Nizamul Mulk, he fell under the evil influence of corrupt and worthless flatterers and intrigued against his own ministers. So he was also like, he neglected the affairs of the state. He had no, you know, उनका कुछ लेना देना नहीं था कि उनके जो subjects हैं वो अच्छे हैं, are they being oppressed or something, are they happy or not. He was not even concerned with the law and order. So basically he was not at all interested in the affairs of the state. Disgusted with the fickle mindedness and suspicious nature of the emperor and the constant quarrels at the court, Nizamul Mulk, the most powerful noble of the time, decided to follow his own ambition. तो पिछले हमने क्या पढ़ा, पहले की पहले तो सिर्फ जो रॉयल प्रिंस होते थे वो सक्सेशन के लिए वो लोग होते थे वहां पे कि उनमें से किसी को थ्रोन मिलता था. बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो नोबल्स थे वो भी डायरेक्ट कंटेंडर्स बन गए, उन्होंने भी आगे आना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड रूलिंग काइंडली, दे वर रूलिंग ओनली थ्रू द जो वीक प्रिंस थे उनके साथ वो लोग इनडायरेक्टली दे वर रूलिंग. बट अब ये हुआ कि मोहम्मद शाह के टाइम पे जो एक बहुत ज्यादा पावरफुल नोबल थे वो थे निजाम उल मुल्क. ही वॉज अ लॉयल वन, बट ये जो मोहम्मद शाह थे ही वॉज मोर, जो बेंट था उनका वो ज्यादा करप्ट, जो वर्थलेस लोग थे, वर्थलेस मिनिस्टर्स थे, उनकी ज्यादा उनका ज्यादा ध्यान था. और ये जो निजाम उल मुल्क थे उनकी तरफ उनका कोई भी सपोर्ट नहीं थी. तो निजामुल मुल्क ही बिकेम टायर्ड ऑफ ऑल दीज फ्रिकल माइंडेडनेस एंड सस्पिशियस नेचर ऑफ द एम्परर एंड दस ही डिसाइडेड टू फॉलो हिज ओन एम्बिशन. तो निजामुल मुल्क ने डिसाइड किया कि वो लोग कि वो एक हैदराबाद, जो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट वो अपना हैदराबाद वो काव आउट कर लेंगे. तो बेसिकली यहाँ से ये चीज स्टार्ट हो गई थी कि जो पावरफुल नोबल्स थे या फिर जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स काव आउट करने शुरू कर दिए. सो बेसिकली नाउ दे वर नॉट रेडी टू वर्क विद द एम्परर. उनको ये चीज़, क्योंकि एम्पररर्स खुद दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, तो इसीलिए इन्होंने सोचा दैट दे विल काव आउट देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट, दे विल स्टार्ट रूलिंग इंडिपेंडेंटली. सो यहाँ से देखो डिक्लाइन जो है वो एक शुरू होना, the decline it was about to start. In fact एक तरह से decline वो start हो चुका था, क्योंकि जो nobles थे वो तो एक strength थे मुगल empire की. But अब क्या होने लग गया था, nobles they were going completely against the emperors. उन्होंने अपने independent states बनाना शुरू कर दिया था. So he relinquished his office in October 1724 and marched south to find the state of Hyderabad in the Deccan. The other powerful and ambitious nobles also now began to utilize their energies in carving out semi-independent states. तो बाकी जो powerful और ambitious nobles थे उन्होंने भी सोचा कि हम भी अपने semi-independent states जो हैं वो बनाएंगे. Everywhere petty zamindars, rajas and nawabs raised the banner of rebellion and independence. तो क्योंकि जो emperor था उनका ध्यान ही नहीं था किसी चीज पे, तो obviously जो बाकी लोग थे वो लोग रिबेलियन पे उतर आए थे. दे ऑल्सो वॉन्टेड इंडिपेंडेंस. देन इन 1738 टू 1739 नादिर शाह डिसेंडेड अपॉन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड द एम्पायर ले प्रोस्ट्रेट. तो इसी बीच क्या हुआ, क्योंकि जो हमारे एम्परर थे पहली बार तो वो वीक थे, और ऊपर से हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था जहाँ पे फॉरन इन्वेजन होते थे वो भी इतना ज्यादा निगलेक्टेड था कि जब नादिर शाह ने इन्वेड किया उनको कोई ओपोजिशन
आई ही नहीं आगे से ही, बहुत ही ज्यादा पीसफुली काइंड ऑफ ही एंटर्ड. उनको कोई ज्यादा ओपोजिशन फेस करनी ही नहीं पड़ी. हेयर बिगेन द फिजिकल ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर. बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर मुर्शिद कुली खान हु नाउ सेंट ओनली नॉमिनल ट्रिब्यूट. तो ऐसे ही काफ़ी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे वो काव आउट होने शुरू हो गए थे. जैसे कि बंगाल, वो किसके अंडर आ गया था? मुर्शिद कुली खान के अंडर. अब वो क्या करते थे कि वो एम्परर को ठीक है कुछ ट्रिब्यूट दे देते थे, बट देवर रूलिंग इन देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट्स. अवध बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर बुरहान उल मुल्क सादत खान. द मराठा सरदार्स बिगेन देयर नॉर्दर्न एक्सपेंशन एंड ओवर एंड मालवा गुजरात एंड बुंदेलखंड. जो मराठा से उन्होंने भी एक्सपेंशन नॉर्थ की तरफ करना स्टार्ट कर दिया था. इन्वेजन ऑफ नादिर शाह ऑफ पर्शिया इन 1739. सो नादिर शाह वॉज अट्रैक्टेड बाई इंडियाज फैबुलस वेल्थ फॉर विच इट वॉज ऑलवेज फेमस. ही एंटर्ड इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1738 विदाउट मीटिंग विद एनी ओपोजिशन. सोचो क्या हाल होएगा उस टाइम पे कि विदाउट एनी ओपोजिशन ही एंटर्ड इंडिया. फॉर ईयर्स द डिफेंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हैड बिन निग्लेक्टेड. द एम्परर मोहम्मद शाह वॉज टेकन एज अ प्रिजनर एंड नादिर शाह मार्च्ड ऑन टू दिल्ली. तो जो हमारे एम्परर थे उनको तो प्रिजनर बना लिया गया था एंड नादिर शाह ही मार्च्ड ऑन टू दिल्ली. द ग्रीडी इन्वेडर टुक पोजेशन ऑफ द रॉयल ट्रेजरी एंड अदर रॉयल प्रॉपर्टी. ही ऑल्सो कैरिड अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड द ज्वेल स्टडेड पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहान. नादिर शाह इन्वेजन एक्सपोज द हिडन वीकनेस ऑफ द एम्पायर टू द मराठा सरदार्स एंड द फॉरन ट्रेडिंग कंपनीज. तो यहाँ से जो डिक्लाइन है हमारा और ज्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि नाउ एवरीबडी केम टू नो अबाउट दी वीकनेस. क्योंकि जो नादिर शाह उन्होंने एंटर किया विदाउट एनी ओपोजिशन, तो जो बाकी मराठा सरदार थे उनको भी ये चीज़ पता लग गई कि एम्पायर की जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. अब क्या है, अब ईजी है एक्सपेंशन करना. और जो फॉरन ट्रेडिंग कंपनीज जो कि बहुत आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऑब्वियसली आई थी, उसके अलावा भी फ्रेंच कंपनीज, डच कंपनीज वो भी आई थी. तो ये जो वीकनेस थी वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गई थी और इसलिए बाद में काफी ज्यादा और इन्वेजन्स भी हुए थे. पोस्ट मोहम्मद शाह. आफ्टर मोहम्मद शाह डेथ इन 1748, बिटर स्ट्रगल्स एंड इवन सिविल वॉर ब्रोक आउट अमंग अनसर्कल्स एंड पार हंग्री नोबल्स. फर्दर मोर एज अ रिजल्ट ऑफ द वीकनिंग ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न डिफेंसिस द एम्पायर वॉज डेविस्टेटेड बाय द रिपीटेड इन्वेजन्स ऑफ अहमद शाह अब्दाली, वन ऑफ द एबलेस्ट जनरल्स ऑफ नादिर शाह, हु हैड सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी ओवर अफगानिस्तान आफ्टर हिज मास्टर्स डेथ. तो जब नादिर शाह की डेथ होगी तो उनके एक बहुत ज़्यादा एबल जनरल थे अहमद शाह अब्दाली, तो उनके बाद इन्होंने इन्वेजन करना स्टार्ट किया. ही रिपीटेडली प्लंड and invaded northern India between 1748 and 1767. So he repeatedly kept invading from time to time. In 1761, Abdali defeated the Marathas in the Third Battle of Panipat and thus gave a blow to Maratha aspirations of replacing Mughals and creating a new empire altogether. तो अब Third Battle of Panipat हुआ 1761 में. I hope everybody remembers First Battle of Panipat कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था. Second Battle of Panipat कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था. तो अगर नहीं याद तो kindly have a look again. तो अब ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, इट टुक प्लेस इन 1731 बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठास, और मराठास को बहुत ज्यादा बड़ी जो हार है वो मिली थी और उनकी जो एस्पिरेशंस थी कि वो एक नया एम्पायर खड़ा करेंगे, सिंस मुगल्स वो मुगल्स को रिप्लेस करना चाहते थे, उनकी ये जो सारी एस्पिरेशंस थी दे वर ब्लोन अवे बाय थ्रू देयर लॉस इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. प्रैक्टिकली द ग्रेट मुगल एम्पायर सीज्ड टू एग्जिस्ट बाय 1761. तो एक मिडल में ही 1761 में ही एक ये जो डिक्लाइन था वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था. इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन
हो चुका था. शाह आलम टू हु हैड कम टू पावर इन 1759 स्पेंड मोस्ट ऑफ द इयर्स अवे फ्रॉम द थ्रोन इन फियर ऑफ डेथ एट द हैंड्स ऑफ हिज ओन वजीर इमादुल मुल्क. तो अब तो मोहम्मद शाह के बाद के जो एम्परर थे शाह आलम टू, वो तो थ्रोन के पास आए ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी ही जान का खतरा था थ्रू हिज इन द हैंड्स ऑफ हिज ओन वजीर इमादुल मुल्क. इन 1764 ही ज्वाइंड मीर काजिम ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध इन डिक्लेयरिंग वॉर अपॉन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये था हमारा बैटल ऑफ बक्सर. अब ये जो सारी बैटल्स हैं हम आगे वाली क्लासेस में ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे. राइट नाउ बिकॉज वी आर जस्ट कवरिंग द बेसिक्स, दिस क्लास इज जस्ट फॉर बिगिनर्स. हम बिल्कुल बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ज्यादा डीप में वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स. तो अब हुआ था बैटल ऑफ बक्सर. अब बैटल ऑफ प्लासी आप पहले पढ़ चुके हो, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स. अगर नहीं याद है तो देख लो दोबारा कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था. उसके बाद हुआ था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर. एक साइड पे कौन था, शाह आलम टू, मीर काजिम ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध, और दूसरी साइड पे कौन थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बक्सर ही लिव्ड फॉर सेवरल ईयर्स एट अलाहाबाद एज अ पेंशनर of the East India Company. So they were very badly defeated by the East India Company. He left the British shelter in 1772 and returned to Delhi under the protective arm of the Marathas. The British occupied Delhi in 1803 and from that year till 1857, when the Mughal dynasty was finally extinguished, the Mughal emperors merely served as a political front of the English. In fact, the continuation of Mughal monarchy after 1759, when it had ceased to be a military power, was due to the powerful hold that the Mughal dynasty had on the minds of the people of India as the symbol of the political unity of the country. So, ये है कि जो मुगल एम्पायर का जो disintegration है, उनका जो decline है, उनका जो breakup है पूरा, वो तो काफ़ी पहले हो चुका था, बट उसके बाद भी वो थोड़ा बहुत जो कंटिन्यू रहा वो सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि लोगों के माइंड में ये चीज़ें थी एक मुगल एम्पायर, क्योंकि वो द ग्रेट मुगल एम्पायर था जो कि लोग बहुत ज़्यादा मानते थे. इट हैड अ यू नो डीप इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल. एक पॉलिटिकल यूनिटी का वो सिंबल थे, क्योंकि जैसे कि हमने उस मैप में देखा था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया था, तो वो एक पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल थे. इसीलिए काफी टाइम तक तो वो बस ऐसे ही चलते रहे क्योंकि लोगों के दिमाग में वो चीज थी. बट अगर यू नो रियलिटी में देखा जाए तो मुगल एम्पायर का जो डाउनफॉल है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी इटसेल्फ. सो नाउ वी विल बी कवरिंग कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. तो अभी तक हम देख चुके हैं कि हम क्रोनोलॉजी देख चुके हैं कि कौन कौन से जो एम्परर्स थे वो आए औरंगजेब के बाद, क्या उनका टाइम पीरियड था, उनके रिलेशनशिप्स क्या थे मराठास के साथ, राजपूत के साथ, सिक्स के साथ, ये सारी चीज़ें. बाकी उनकी जो उन्होंने जो औरंगजेब की जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज थी उनको कैसी उन्होंने बिल्कुल यू नो ऑल्टर कर दिया था, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी. सो काफ़ी रीजंस मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के तो आपको समझ आ चुके होंगे, जैसे कि नोबल्स एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो लोग खुद ही यू नो दे देमसेल्स नाउ वांटेड टू बिकम दी एम्परर्स, दे नाउ देमसेल्स वांटेड टू एक्सरसाइज दी रियल पावर. तो वो लोग आगे आ चुके थे, जबकि वो लोग पहले वो देवर द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्परर, बट नाउ देवर गोइंग अगेंस्ट द एम्परर इन ऑर्डर टू बिकम द डायरेक्ट कंटेंडर्स फॉर द थ्रोन. तो ये रीज़न था. उसके अलावा जो औरंगजेब के बाद बाकी सारे जो एम्परर्स थे देवर रियली वीक, उनका कोई भी ध्यान नहीं था, देवर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द लॉ एंड ऑर्डर, देवर नॉट इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो ये सारे जो रीजन्स हैं इतने तो आपको समझ आ गए होंगे. नाउ वी विल कवर दोज रीजन्स स्पेसिफिकली. First is the beginning of the decline of the Mughal Empire are to be traced to the strong rule of Aurangzeb, who had adopted a policy of extending it further to the farthest geographical limits in the south at great expense in men and materials.
तो हमारे जो औरंगजेब थे, जैसे हमने उस मैप में देखा कि काफ़ी ज़्यादा एरिया औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एरिया जो था वो इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारा ही मैप मुगल एम्पायर ऑक्यूपाई कर चुका था। तो ऑक्यूपाई तो उन्होंने कर लिया था, बट क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पॉसिबल नहीं थी, टेक्नोलॉजी तो उतनी ज़्यादा थी नहीं उस टाइम पे, तो वो लोग एक जगह को दूर दूर की जो जगह थी राइट, उनको जो औरंगजेब थे उन्होंने ऑक्यूपाई तो कर लिया था, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक जो इफेक्टिव कंट्रोल था ऑक्यूपाई करने के बाद जो कंट्रोल बना के रखना होता था वो औरंगजेब रख नहीं पा रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस काफ़ी ज़्यादा जो डिक्लाइन है वो उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इतनी दूर तक जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं था, मैन एंड मटीरियल ये सारे जो एक्सपेंसेस थे, इतनी दूर जाना सारी चीज़ें उस टाइम पे, बिकॉज द सिचुएशन वॉज टोटली डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे वैसे बैकवर्डनेस थी उस टाइम पे, लाइक कम्युनिकेशन वाइज वी वर बैकवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बैकवर्ड थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था वहाँ तक मैन मटेरियल को लेके जाना, कम्युनिकेशन गैप्स काफ़ी रह जाते थे। तो उस वजह से एक ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, मैनी ऑफ द स्कॉलर्स दे बिलीव दैट दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। But with the existing means of communication and the economic and political structure of the country, it made it difficult to establish a stable centralized administration over all parts of the country. तो एक stable centralized administration नहीं बन पाई, क्योंकि दूर दूर तक उन्होंने जो क्या है कब्जा कर लिया था, तो एक जगह पे रह के पूरा एक stabilized control बनाना वो possible नहीं रहा था। So this was one of the reasons of the decline of the Mughal Empire. Next is Aurangzeb's conflict with some of the Rajput states also had serious consequences. तो हम सबको पता है कि औरंगजेब की जो policies थी वो ज़्यादा you know he did not have good relationships, he did not have a friendly relationships with Rajputs. तो उस वजह से भी बोला जाता है कि decline जो है मुगल empire का वो start हुआ. Alliance with the Rajput Rajas with the consequent military support was one of the main pillars of Mughal strength in the past. तो अकबर के टाइम पे या उससे पहले जो राजपूत राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट जो है वो मुगल्स को प्रोवाइड करते थे, बट अब क्योंकि औरंगजेब ही वॉज टोटली अगेंस्ट देम, ही डिड नॉट हैव गुड रिलेशनशिप्स विद द राजपूत, तो उस वजह से इनकी जो मिलिट्री सपोर्ट थी वो भी कम हो गई थी, विच देन लेटर ऑन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. Next is Aurangzeb's religious orthodoxy and his policy towards the Hindu rulers seriously damaged the stability of the Mughal Empire. So we all know that इनकी जो religious policies थी they were very very orthodox. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा taxes लगाए, जैसे कि जजिया tax and many other taxes. उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा problems आई और decline जो है Mughal Empire का वो हुआ. If Aurangzeb left the empire with many problems unsolved, the situation was further worsened by the wars of succession which followed his death. तो पहले ही इनके टाइम पे हमने देख लिया कि औरंगजेब के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी उनकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ की वजह से, या फिर उनके राजपूत के साथ रिलेशनशिप्स की वजह से, या फिर वो जो जोग्राफिकल लिमिट्स कम्युनिकेशन की वजह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ना हो पाना, उस वजह से तो काफ़ी औरंगजेब के टाइम पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुकी थी, बट 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद के जो प्रॉब्लम्स थी वो उनकी जो छोड़ी हुई प्रॉब्लम्स थी उनके अलावा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि पहली प्रॉब्लम थी वॉर्स ऑफ सक्सेशन. अब क्योंकि सक्सेशन का कोई एक फिक्स्ड रूल तो होता नहीं था कि या तो बड़ा बेटा जो ऑक्यूपाई करेगा या फिर छोटा और द मिडल वन और एनी वन, सो देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल ऑफ सक्सेशन. तो इसीलिए क्या होता था कि जब भी एक एम्परर की डेथ होती थी तो उसके बाद जो भी सक्सेसर्स होते थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स होते थे,
दे यूज टू यू नो फाइट अगेंस्ट ईच अदर, सिविल वॉर्स होते थे, तो उस वजह से भी काफी ज्यादा एम्पायर को लॉस होता था. सो दीज थिंग्स ऑल्सो, दीज वॉर्स ऑफ सक्सेशन, दे बिकेम एक्सट्रीमली फियर्स एंड डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. दे रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. द वीकनेस ऑफ औरंगजेब्स रीन एंड द इविल्स ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन माइट स्टिल हैव बीन ओवरकम इफ एबल, फार साइटेड एंड एनर्जेटिक रूलर्स हैड appeared on the throne. तो ये सारी चीजें भी चलो मैनेज हो जाती अगर जो आने वाले रूलर्स थे, आने वाले जो emperors थे, वो strong होते या फिर वो wise होते. But जैसे कि हमने देखा, they were not at all wise. They did not have some effective policies जिसकी वजह से कुछ state को अच्छे से run किया जाता. In fact, उनकी time पे तो जो financial situation भी थी वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी. जो peasants थे वो काफी ज्यादा they were suffering from oppression. तो ये जो सारी problems पहले से ही थी, औरंगजेब के time से start हो चुकी थी, and with the time these problems they started piling up, they started on increasing day by day. So apart from the personalities of the great Mughals, the strength of the Mughal Empire lay in the organization and character of the nobility. तो पुराने time पे जो एक strength थी, एक character जो nobility का था, वो Mughal Empire की strength थी. The weakness of the king could have been successfully overcome and covered up by an alert, efficient and loyal nobility. तो चलो emperor भी weak थे, वो भी cover हो जाता अगर जो nobility जो कि strength थी मुगल एम्पायर की, जो कि पहले काफी ज्यादा अलर्ट थी, एफिशिएंट थी, लॉयल थी, वो अगर होती एम्परर के साथ इस टाइम पे भी, तो भी चलो उतना डिक्लाइन नहीं होता, या फिर देयर कुड हैव बीन सम इम्प्रूवमेंट. बट क्योंकि नोबिलिटी की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, देयर सिचुएशन, दे हैड ऑल्सो बिकम डिटीरियोरेटेड, देयर कैरेक्टर हैड ऑल्सो डिटीरियोरेटेड. मेनी नोबल्स दे लिव्ड एक्स्ट्रावेगेंटली एंड बियॉन्ड देयर मीन्स, उनको भी लग्जरी की आदत पड़ चुकी थी. मेनी ऑफ देम दे बिकेम ईज लविंग एंड फॉन्ड ऑफ एक्सेसिव लग्जरी. तो जो नोबिलिटी पहले स्ट्रेंथ थी मुगल एम्पायर की, अब वो भी एक लग्जरी टाइप चीजें उनको ज्यादा अच्छी लगने लगी थी. तो उनका भी जो ध्यान था वो स्टेट ऑफ अफेयर्स में अब नहीं था. So a basic cause of downfall of Mughal Empire was that it could no longer satisfy the minimum needs of its population. तो अब क्योंकि empire भी weak है, nobility का भी ध्यान नहीं है, तो ultimately जो ज़्यादा suppression है, oppression है, किसको face करना पड़ा, जो बाकी population थी, peasants का. जैसे हमने देखा कि उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी. मोर ओवर कॉन्स्टेंट ट्रांसफर ऑफ नोबल्स फ्रॉम देयर जगीर्स ऑल्सो लेड टू ग्रेट इविल. दे ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट as much from a jagir as possible in the short period of tenures as jagirdars. They made heavy demands on the peasants and cruelly oppressed them. अब क्योंकि ये जो जागीर्स बेसिकली लैंड ग्रांट्स होती थी, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये जो नोबल्स थी उनकी जो जागीर्स वो थी, वो ट्रांसफर होती रहती थी. तो वो लोग क्या करते थे कि जितना पैसा इकट्ठा हो पाता है एक जागीर से कम टाइम पे, तो वो उतना इकट्ठा करने की कोशिश करते थे. तो जो सारा बर्डन है वो किसके ऊपर जाता था, फार्मर्स के ऊपर जाता था, और इस वजह से जो फार्मर्स का ऑपरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था. As a matter of fact, agriculture was no longer producing enough surplus to meet the needs of the empire, of constant warfare and of increased luxury of the ruling class. तो इस वजह से, क्योंकि अब peasants का भी oppression होना शुरू हो गया था, उनसे बहुत ज़्यादा revenue demand करी जाती थी, production इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, but उनको they were charged hefty taxes and revenue they had to pay. तो उस वजह से जो agriculture था वो कुछ ज़्यादा surplus it was not producing. इसी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटस था मुगल एम्पायर का, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था. जो एम्पायर की नीड्स थी, दे वर नॉट बीइंग फुलफिल्ड. एक वॉरफेयर के लिए वॉर्स होते रहते थे, या फिर ये जो एक ऊपर से जो रूलिंग क्लास थी, जो एम्परर्स थे, उनकी जो लग्जरी थी, लग्जरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो कुछ जो मनी है वो तो था नहीं, बट जो डिमांड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. तो उस वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी थी.
An important socio-political cause of the downfall of the Mughal Empire was the absence of the spirit of political nationalism among the people. ऊपर से उस टाइम पे जो बहुत सारे जो लोग थे उनको ज्यादा कुछ लेना देना था नहीं, देवर नॉट यू नो दे उनको कुछ लेना देना नहीं था कि चल क्या रहा है पॉलिटिकली, देवर नॉट दैट एक्टिव, दे डिड नॉट एग्जिस्ट दी आइडियल ऑफ लिविंग एंड डाइंग फॉर वंस नेशन. इन्वेजन्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. दे टुक वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द एम्पायर एंड nor did they identify its interest with its own. There was a rapid decline in the administrative efficiency of the empire during the 18th century. Administration bit was neglected and law and order it broke down. Unruly zamindars openly defied the central authority. अब क्योंकि central authority emperor इतने ज़्यादा weak थे कि जो zamindars थे वो भी उनको openly उनकी जो you know उनकी बातें वो मानते नहीं थे, वो अपनी मनमर्जी ज़्यादा करते थे. Corruption and bribery, discipline and indiscipline and inefficiency, disobedience and disloyalty prevailed on a large scale among officials at all levels. Ultimately, the military strength of the empire was affected. The Mughal army lacked discipline and fighting morale. तो ऊपर से जो क्या कहते हैं मुगल आर्मी भी थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी, जानी मानी आर्मी थी मुगल एम्पायर की, बट वो भी अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी. दे हैड बिकम डिसोबीडियंट, डिसलॉयल, इनएफिशियंट एंड उनका जो फाइटिंग मोराल था वो भी ज्यादा नहीं था क्योंकि एम्परर ही अच्छे नहीं थे. तो जो मुगल एम्पायर भी थी जो स्ट्रेंथ थी, सॉरी मुगल आर्मी जो थी वो जो कि स्ट्रेंथ थी मुगल एम्पायर की, वो भी अब नहीं बची थी. Thus the army, the ultimate sanction of the empire and the pride of the great Mughals was so weakened that it could no longer curb the ambitious chiefs and nobles or defend the empire from foreign aggression. तो जो भी foreign invasions उस time पे हुए, नादिर शाह आए, अहमद शाह अब्दालिया, उसके बाद British power जो आई, तो उनको रोका कैसे जाता जब जो मुगल army थी वो बहुत ही ज़्यादा inefficient और weak हो चुकी थी. The final blow to the Mughal empire was given by a series of foreign invasions, attacks by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, which were themselves the consequences of the weakness of the empire, drained the empire of its wealth. पहले ही हमने देखा कि कैसे फाइनेंशियल जो स्टेटस था वो खराब हो चुका था, बट उसके ऊपर से ये हुआ कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे नादिर शाह, उसने बहुत ज़्यादा जो रॉयल ट्रेजरी और बाकी रॉयल प्रॉपर्टी थी, हमारा जो कोहिनूर डायमंड था, सारी चीज़ें ये लोग वो अपने साथ लेके जा चुके थे. दे रुइंड इट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द नॉर्थ एंड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड इट्स मिलिट्री पावर. तो ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर से फिर ये जो फॉरेन इन्वेजन्स थे इन्होंने सिचुएशन को और ज़्यादा डिटीरियरेट कर दिया. Finally, the emergence of the British challenge took away the last hope of revival of the crisis-ridden empire. और ऊपर से British ने काफ़ी ज़्यादा जैसे wars हुए उसमें उन्होंने इन सबको हरा दिया, तो वो जो एक kind of last hope बची थी वो भी अब जा चुकी थी. In this last fact lies the most important consequence of the decline of the Mughal Empire. None of the Indian power rose to claim the heritage of the great Mughals, for they were strong enough to destroy the empire but not strong enough to unite it or create anything new in its place. अब हमने देखा राजपूत थे, मराठास थे, चाहते थे इनको destroy करना Mughal Empire को, but उसके बाद कोई भी ऐसी पावर नहीं आई जो इस चीज़ को आगे लेके जाती, जो कि एक पूरे इंडिया को यूनाइट करती, उस ये भी कुछ बाद में नहीं हुआ. सो ये जो था सारे थे ये कॉजेज थे ड्यू टू विच द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, बी इट द वीक एम्परर, बी इट द यू नो वेरियस रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी जो कि औरंगजेब के टाइम पे थी, या फिर नोबिलिटी के जो हाल हो गए थे, ऊपर से फॉरेन इन्वेजन्स हुए, ब्रिटिश पावर, फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था. सो ये काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो द ग्रेट मुगल एम्पायर था जिसने मिडिवल पीरियड को डोमिनेट किया, मॉडर्न पीरियड के स्टार्टिंग में ही इनका डिक्लाइन हो चुका था. इन द इन स्टार्टिंग ऑफ
18th century, they had started to decline, but till the end 18th century ka end hote hote ye puri tarah se decline ho chuka tha. So this was all about the chapter on the decline of the Mughal Empire. I hope it is clear to you all. Thank you very much.